हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को लेकर, जिसका हम एक पार्ट कल कर चुके हैं, आज पुनः एक पार्ट करेंगे। तो बिना समय गवाए करते हैं स्टार्ट, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हम लोग 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम लोग 26 नंबर से करेंगे। कहता है, निम्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन नहीं हो सकती है भाई? जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, 1:4 या 1/4 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी प्रायिक घटना का जो प्रायिकता है वो माइनस में नहीं हो सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ए। थोड़ा तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, 1:3:0:3:1:3 का बहुलक होगा। हम आपको बताए हैं बहुलक का होता है जिसका नंबर ऑफ अकरेंस ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम आया होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुलक। तो यहाँ देखिए, 3 जो है वो 3 बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, फिर वही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए 0, बी 1, सी 0.2 और डी -1। फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी, यानी किसी भी प्रायिक घटना का जो मान है, प्रायिकता है, वो माइनस में नहीं हो सकता है। कहता है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। आपको बताना है इसका आंसर, नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। 2 सम संख्या, 2 क्रमिक सम संख्या, जैसे 2 है तो उसका 4, 2 है तो 4, या फिर 4 है तो 6, एचसीएफ बताना है। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 2 होगा। चाहे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 2 और 4 में ही ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2, और 4 और 6 में ही क्या हो जाएगा? 2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद यहाँ पूछा गया है, तो बताइए आप लोग फटाफट आंसर। x² + bx + c, बी ax⁴ + bx³ + c है ax³ + bx² + cx + d, डी है ax² + bx² + c, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, ax² + bx² + cx + d। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है, √2 एक है, बताइए आप आंसर क्या होगा? परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कि यदि बहुपद px² - 2x + 5 के शून्यक ab हो, तो ab का मान होगा, ab का मान होगा 32 का, px = x² - 2x + 5 के शून्यक ab हो, तो ab का मान होगा, फटाफट बताइए, ab का मान शून्यक है तो ab, यानी a into b पूछा जा रहा है हमसे, a into b का मतलब C by A, C हमारे पास कितना है? 5, और A कितना है? 1, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर A। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि A का मान, जिसके लिए समीकरण का निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का शून्योत्तर हल है, चलो ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0। तो इसमें कहा जा रहा है कि शून्यतर हल होगा। फिर से देखिए, a का मान, जिसके लिए समीकरण का निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का शून्यतर हल होगा, बताना है फटाफट। कि यहां पे क्या ऐसा चीज रखा जाए किसका जो आंसर हो वो शून्य हो जाए, फटाफट बताना है। देखिए, a का मान, जिसके लिए समीकरण का निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का शून्येतर हल होगा। देखिए यहां, तो a बाय, यहां देखते हैं x के साथ कितना गुना है, 2, बराबर
ए बाय टू बराबर यहां है 10 और यहां क्या है वाई के साथ 5, तो हमको ए का मान ढूंढना है। क्या करना है, ए का मान ढूंढना है। तो देखिए यहां 5 से ये कितने बार में, दो बार में, तो ए बाय टू बराबर 2/1, तो ए गुना 1, तो ए बराबर 2 × 2 = 4, कितना जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में प्राप्त होगा। परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां देखिए आप, यहां से बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा फटाफट। एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट फाइव, ये भी नहीं होगा। यहां एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 16/√7 प्लस माइनस 4/√7, ये भी अपरिमेय हो गया। अच्छा यहां देखते हैं क्या है, इसको हल करके ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 − 2x, ये 2x 2x कैंसिल, तो x बराबर यहां भी क्या, प्लस माइनस √3, ये भी नहीं होगा। यहां देखते हैं इसको जब आप गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर −1 = 0, इसको यदि हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस √1, और 1 का कितना होता है वर्ग 1, यानी आंसर नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्यों, 1 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। बताइए आप अगले सवाल का आंसर क्या होगा। कहता है समीकरण निकाय एक्स प्लस 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान, तो आपको पता है x के साथ यहाँ कितना 1/, यहाँ x के साथ 5, यहाँ y के साथ 2, और यहाँ y के साथ k, और यहाँ इसको अंदर लाइएगा तो -3, इसको अंदर लाइएगा तो -5। चलो भाई 1/5, 2/k, चलो तो देखते हैं भाई, 1 × k तो k बराबर 5 × 10, 5 × 10 तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 3x − 1 = 0 का हल समुच्चय होगा। चलो तो x प्लस 2 × 3x − 1 = 0, तो ये x इंटू 3x, तो 3x² − x × 1, तो x प्लस 3×2 = 6x − 2×1, तो 2 = 0। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस, ये कितना जाएगा 5x − 2 = 0। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं फिर से। आप देखिए निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 3x − 1 = 0 का हल है, तो इसको इस विधि से आने से अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट कर लें। देखिए x प्लस 2 = 0, 3x − 1 = 0, यानी x बराबर क्या −2, 3x = 1, x = 1/3, तो x = −2 और 1/3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। फटाफट बताइए, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 1/2 हो जाएगा, और उस पर क्या लगा देंगे हम लोग स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो आप लोग को पता है ए एन पूछा गया है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखते हैं कौन है।
चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब है, त्रिभुज एबीसी में एबी एडी लंब है बीसी। चलो एबी एडी लंब है बीसी, चलो ए बी सी, ए बी लंब है एडी लंब है बीसी, ये लंब हो गया थोड़ा तो सीधा करके बनाइए आप लोग। उसके बाद क्या कहता है, एडी बराबर बी डी, एडी बराबर बी डी, ये हो गया हमारा आठ और बी डी भी हो गया आठ। अब पूछा जा रहा है तो एसी होगा, एसी होगा तो बहुत ही आसान, इसका विकर्ण निकालना है, यहां तो लंब हो गया तो ये क्या होगा, विकर्ण निकालना है हो जाएगा आठ का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर, तो हो जाएगा अठी अठी चौसठ प्लस चौसठ, यदि हम इसको हल करें तो हो जाएगा 128 और इसको यदि हल करें तो टू रूट, या फिर हम लोग निकाल ही लेते हैं इसको हल करके देखते हैं, 128 को हल करते हैं तो दो से कितना हो जाएगा छ चार, फिर दो से 32, फिर दो से 16, फिर दो से 8, फिर दो से 4, फिर दो से 2, तो 1 2 3, यानी कि 3 2 गुना 2 गुना 2 और ये जो बच जाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे रूट थ्री, तो 8√3 होना चाहिए, सॉरी 8√2 होना चाहिए, यहाँ 2 होगा, तो ऐसा तो यहाँ है नहीं कोई, तो हम लोग क्या करेंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक एपी के प्रथम 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 15 और 75 है। हमको देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है 5, एन भी दिया हुआ है कितना 75 और एन भी दिया हुआ हमको 15, हमको निकालना क्या है, एस एन बराबर हम लोग जानते हैं एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए तो यहां देखिएगा आप लोग थोड़ा सा इधर से, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, 2 गुना ए का मान 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, डी का मान बताओ जिसके प्रथम और अंतिम पद, तो सॉरी यहां हमको डी नहीं है पता, इसलिए हमको थोड़ा सा बैक करके डी पहले पता करना होगा, इसके रुक जाइए, या फिर इधर हम लोग डी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ एन इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ है 75, तो ए प्लस, अच्छा ये एन के स्थान पे कितना हो जाएगा, ए 15 इक्वल टू दिया हुआ हमको 75, तो ए प्लस 14 डी इक्वल टू 75। चलिए ए का मान कितना है 5 प्लस, यहां दिख ही नहीं रहा है आप लोग को, थोड़ा सा इरेज करते हैं, जगह की कमी है, रुकिए ऐसे करते हैं इसको, लेट मी सम टाइम, चलिए देखिए इसको फिर से करते हैं हम लोग, हमको दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 75, यानी ए 15 इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है 75, तो ए प्लस 14 डी इसको लिखेंगे बराबर 75। चलिए ए हमको दिया हुआ है 5 प्लस 14 डी इक्वल टू कितना हो गया 75, यानी 14 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 माइनस 5, तो 14 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/14, तो 14 × 5 = 70, कितना हो गया डी हमको निकल गया 70। अब याद रखिएगा कि हमको डी कितना निकला, अब जो है कि हम लोग क्या करते हैं, डी हमको निकला 5, डी कितना निकला 5, अब हम लोग आगे निकालेंगे। अब देखिए एस एन निकालते हैं, एस 15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2 टू ए 2 गुना 5 प्लस एन कितना 15 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमारा कितना आया 5, तो 15/2
ये हो गया 10 प्लस 15 में गया 14 गुना 5 15 बटे 2, ये हो गया हमारा 10 प्लस 14 पंचे 70, 15 बटे 2 तो हो गया ये 80, 2 से कितना 40, तो 15 गुना 40 तो कितना हो गया 15 चौके 60 और एक जीरो यानी कि 600। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 600। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, सो डोंट वरी हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दीजिए अगले क्वेश्चन का जवाब फटाफट फटाफट दीजिए अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है टेन ए बराबर होगा, तो टेन ए बराबर क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहता है बिंदु 2 3, कहता है बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी होगी, तो दूरी सूत्र कैसे होता है भाई देखते हैं हम लोग। यहां पे होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स टू का मान कितना, ये है हमारा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ध्यान दीजिएगा कर्जर पर। तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 4 गया तो -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 4 यानी √8 और √8 को हम लोग लिखते हैं 2√2 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। दीजिए फटाफट अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा अगला क्वेश्चन। कहता है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री का मान बताना है आपको। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, इसका ऑप्शन हमारे पास है 1/2, B1, C√3/2 और D0। तो साइन 90 माइनस 72 लिखते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को जस का तस रहने देते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा बटे जो है सीधा नीचे वाला वो लिख देते हैं, कट के कितना जाएगा 1। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है किसी बिंदु y की किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। ये देखिए y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, इधर कोटि होता है ना, इधर ये कोटि और भुज और कोटि होता है, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, y निर्देशांक x निर्देशांक कोटि और फिर अक्ष, फटाफट बताइए। तो हमको कहा जाएगा y निर्देशांक, क्या होगा भाई यहां पर से देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से, ये हमारा y अक्ष है से दूरी किधर, ये अक्ष की तरफ है ना, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष, तो यहां तो इधर x अक्ष आएगा तो हम लोग इसको x अक्ष नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे x निर्देशांक, क्या बोलेंगे x निर्देशांक। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। कहता है एक थैले में 8 लाल और 2 काली और 5 सफेद गेंदे हैं, एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है, फटाफट बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा, 2/15, 13/15, 8/15 और 1/13, क्या है उस गेंद का काला न होने की प्रायिकता, तो काला इसमें कितना है 2, तो काला नहीं कितना है 8, 5, 13 और टोटल बॉल कितना है 15, तो 13/15, इसका कई तरह का विधि है लेकिन यहाँ आप याद रखिएगा काला न होने की, काला को हम लोग छोड़ देते हैं बाकी दोनों को लेते हैं, तो 8, 5, 13/15। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह कैसे लिखते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, 10 + 20/2, बताइए कौन सा आंसर होगा, 30/2 यानी कि 15, आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
एक थैले में तीन उजले, चार लाल, पांच काली गेंदे, याद बिछाया, एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद न काला और न उजला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। न ही काला और न ही उजला, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए आंसर कितना है। टोटल बॉल है 3 4 7 5 12, कितना 12। न काला हो, देखिए न ला सॉरी न काला हो न उजला हो, ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो, कितना ऊपर, तो बचा कौन, लाल केवल 4 और टोटल बॉल कितना 5 4 9 3 12, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, बहुत ही आसान सवाल है, 2πr1 सॉरी क्षेत्रफल है तो हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं, पाई आर वन का स्क्वायर बट्टे पाई आर टू का स्क्वायर बट्टे 4/1 है, पाई पाई कैंसिल, आर वन बट्टे आर टू का स्क्वायर बराबर इधर कितना 4/1, आर वन बट्टे आर टू बराबर कितना अंडर रूट 4/1 यानी 2/1, कितना हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 हो तो दोनों वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, देखिए ये वर्ग है, फटाफट इसका भी आप लोग आंसर दीजिए, ये वर्ग है और ये विकर्ण है, ये है 16√2, तो यहाँ ए और यहाँ ए मान लेते हैं, हमको पता नहीं है, हम लोग यहाँ पैथागोरस परिमेय लगाते हैं, क्या लगाते हैं पैथागोरस परिमेय, ये छोटे वाला भुजा एक साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इधर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है 16√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a² बराबर 16 16 2 56 गुना √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, तो ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी a बराबर क्या हो जाएगा √256 और इसका रूट कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है प्राप्त अंक 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका होगी, माध्यिका के लिए हम लोग बताए थे आपको सबसे पहले क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम घटते या बढ़ते क्रम में सजाना है, उसके बाद बीच वाला जो होगा वो क्या होगा माध्यिका, देखिए सबसे पहले 0 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 0 2 3 के बाद ये 5 है सॉरी 6 7 फिर 9, बीच में कौन आ रहा है 5, कौन है 5, इसमें से क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चे हमसे जुड़ सके और आपको भी नया नया वीडियोस मिल सके जिससे कि आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे और बोर्ड के एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, धन्यवाद।